आज चावल की खीर बनाते हैं, उसके लिए ये थोड़े से काजू बादाम देसी घी में रोस्ट कर लेंगे। उसी घी में ये आधी कटोरी चावल, इसको भून लेंगे। ये चावल रोस्ट हो चुका है और यहाँ पे 1 लीटर दूध गर्म करने के लिए रख दिया है। अब इसको उबलने देंगे। ये दूध बॉयल होने लगा है, अब इसमें ये चावल डाल, चावल पक गए, इसमें आधी कटोरी सिरप एकदम रेडी हो गई है पक के। अब इसमें ये 1 कटोरी मिल्क मेड डालेंगे। अब ये मलाईदार खीर एकदम तैयार हो गई है, इसको सर्व करेंगे। और ये अब ड्राई फ्रूट्स डालेंगे रोस्ट किए हुए।